तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली टारगेट्स यहाँ पर जो है वो क्या होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर अपने हैप्पीएस्ट माइंड्स की, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर भी राइट नाउ हमें एज सच अभी फिलहाल के लिए तो चलो कोई मेजर यहाँ पर जो है वो तेज़ी गिरावट अभी तक तो चलो देखने को नहीं मिली है। काउंटर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो साइडवेज ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक में कोई मेजर प्राइस एक्शन में चेंजेस जो है वो क्या हैप्पीएस्ट माइंड्स के काउंटर के अंदर देखने को मिलेंगे? तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस। सो लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो है एग्जैक्टली 800, जहाँ पर मैंने कहा ये स्टॉक अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकला तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? समथिंग अराउंड 825, 830 से लेकर 840 के रेंज में सपोर्ट इसका बनेगा, 780 से लेकर 770 फॉर द नेक्स्ट वीक।